प्रेरणा कथा, दोस्त और भाग्य। मैं अपने लैपटॉप को अपने बैग में रख ही रहा था कि चार्ली ने कहा, शायद मैंने तुम्हारे लिए एक बिल्कुल ठीक लड़की खोज ली है। मैंने उसकी तरफ देखकर कहा, पहले भी कई बार सुन चुका हूं। नहीं, ये वैसी नहीं है। उसको किसी के साथ डेट पर नहीं जाना है। वो चाहती है कि कोई उसको उसकी लिखाई सुधारने में मदद करे। मैंने उसको घूर कर देखा। शायद तुम गलत जगह ये बात कर रहे हो। मैं तो खुद भी अपनी लिखाई को बहुत मुश्किल से ठीक ठाक प्रस्तुत कर सकता हूँ, और किसी की लिखाई को कैसे ठीक करूँगा। इसीलिए तो मैं इस कॉन्फ्रेंस में जा रहा हूँ। कॉन्फ्रेंस जिस होटल में होने वाली थी वो हमारे स्थान से 2 घंटे की दूरी पर था। 4 दिनों तक चलनी थी वो कॉन्फ्रेंस। चार्ली ने कहा, तुम कम से कम उसको फोन तो कर ही सकते हो, है कि नहीं? मैंने कहा, तुम अचानक इतने गंभीर क्यों हो गए हो इस लड़की को लेकर? कुछ पक रहा है क्या? चार्ली ने नजरें बचाते हुए कहा, मैंने सुना है कि वो बहुत ही सुंदर है, और इसीलिए मैंने सोचा कि तुम उसकी लिखाई में उसकी मदद करोगे और मैं भी तुम्हारे साथ आ जाऊंगा। मैंने कहा, और शायद अंत में वो तुम्हारे चक्कर में फंस जाएगी, यही है ना तुम्हारा प्रयोजन? चार्ली ने सर हिलाकर समर्थन किया कि वो भी उस लड़की की तरफ आकर्षित था। फिर भी मैंने कहा, तुमको इस लड़की के बारे में इतना सब कुछ कैसे मालूम चला? चार्ली ने कहा, उसकी बहन हमारी कंपनी में ही काम करती है। तो बोलो, अब क्या कहते हो? मैंने एक लंबी सांस लेकर कहा, ठीक है, मैं कॉन्फ्रेंस से वापस आ जाऊं तब फोन कर लूंगा। तुम मुझे उसका फोन नंबर दे दो, हम उसको मिलने जाएंगे। चार्ली बहुत खुश हो गया। अचानक बाहर किसी कार के हॉर्न की आवाज सुनाई दी। मैंने कहा, मेरे लिए गाड़ी आ गई है। मैं दरवाजे की तरफ बढ़ चला। चार्ली भी मेरे पीछे पीछे था। मैंने चार्ली से कहा, मैंने फ्रिज में तुम्हारे लिए एक बियर रख छोड़ी है, मेरे जाने के बाद घर बंद कर देना। चार्ली के पास मेरे घर की चाबी थी। हम दोनों एक ही दफ्तर में काम करते थे। हम दोनों का बचपन भी साथ साथ ही बीता था। मेरी अपनी कार की गैराज में मरम्मत हो रही थी, इसीलिए मुझे कॉन्फ्रेंस में जाने के लिए कोई सवारी खोजनी थी। मेरा सौभाग्य था कि उनके विज्ञापन में कुछ ऐसे लोगों के बारे में लिखा था जो लोगों को अपनी कार में ले जाएंगे जब तक वो पेट्रोल और खाने पीने के पैसे देते रहे। मैं जब नीचे आया तो मैंने पाया कि मुझे कॉन्फ्रेंस में ले जाने और वापस लाने वाले मेरे ड्राइवर एक बहन और भाई थे। भाई का नाम ब्रैड था और बहन का नाम सिंडी कोहेन था। मैं कार की पिछली सीट पर अपना सामान रखकर बैठ गया। ब्रैड और सिंडी बारी बारी से गाड़ी चलाने लगे। हमको कॉन्फ्रेंस वाले होटल तक पहुंचने में 3 घंटे लग गए। कार से उतरकर हम तीनों ही सीधे कॉन्फ्रेंस से पहले के एक छोटे से आयोजन में गए। वहां पीने पिलाने का दौर चल रहा था। उस पार्टी में मेरी मुलाकात बोनी से हुई। वो शायद 20 बरस की थी, बहुत ही सुंदर और बहुत ही बुद्धिमान। उसके भूरे बाल बहुत ही खूबसूरत थे। वो खाने पीने की मेज के पास खड़ी होकर एक बूढ़े से बातें कर रही थी। मैं कामना करने लगा कि काश मैं उस बूढ़े के स्थान पर होता। मैं चार्ली से कद में छोटा हूं और उस जितना सुंदर भी नहीं हूं। मैं चश्मा लगाता हूं और शायद ये भी लड़कियों को मुझसे दूर रखता हूं। मैं अपनी लिखाई पर गर्व करता हूं, परंतु सच्चाई तो ये है कि तब तक मेरी कोई भी लिखाई प्रकाशित नहीं हुई थी। मैं भी उस मेज के पास हाथ में एक ग्लास लेकर खड़ा हो गया। मैं उस लड़की और बूढ़े की आवाजें सुनने लगा। वो लड़की बोली,
मैं ज़्यादातर वैज्ञानिक उपन्यासों और काल्पनिक उपन्यासों को ही पढ़ती हूँ, ऐसी ही कहानियाँ मुझे अच्छी लगती हैं। मैं अचानक जोश में आ गया और मैंने भी बोल दिया, मुझे भी ऐसी ही कहानियाँ अच्छी लगती हैं। वो दोनों मेरी तरफ देखने को बाध्य हो गए। मैं उनकी बातचीत में बाधा पहुँचाने के लिए उनसे माफ़ी मांगने ही वाला था कि मैंने देखा कि उस लड़की की आँखों में एक विशेष प्रकार की चमक आ गई थी। शायद उस लड़की को मेरी कही बात अच्छी लगी थी। वो मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा आपको भी ऐसी कहानियाँ अच्छी लगती हैं, आपके पसंदीदा लेखक कौन कौन हैं? मैं तो सुन्न हो गया, क्योंकि आज तक किसी लड़की ने मुझसे ऐसा प्रश्न नहीं पूछा था। मैंने अपने आप को संभाला और तुरंत ही बहुत से लेखकों के नाम जल्दी जल्दी अपने मुँह से उगल दिए। वो स्पष्टता हैरान हो गई थी और वो बोली, ओह आपके और मेरे पसंदीदा लेखक तो एक ही हैं। उसके बाद हम दोनों विभिन्न लेखकों की कहानियों की चर्चा करने लगे। हम दोनों ही एक दूसरे की बातों में इतने डूब गए थे कि हमने ध्यान ही नहीं दिया कि वो बूढ़ा कब वहाँ से चला गया था। वहाँ से सभी लोग एक बड़े हॉल में गए जहाँ एक रहस्यमय कहानियों का लेखक अपना भाषण दे रहा था। बोनी मेरे साथ वाली सीट पर बैठी थी। हम दोनों ही बहुत ध्यान से उस वक्ता को सुन रहे थे। अचानक मैंने कुछ ऐसा किया जिसकी शायद मैं किसी और हालात में हिम्मत भी नहीं करता। मैंने उसको पूछ लिया कि क्या वो मेरे साथ रात का खाना खाना पसंद करेगी। वो तुरंत ही तैयार हो गई। मैं तो बहुत ही खुश हो गया और मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पंख लग गए थे और मैं हवा में उड़ रहा था। मैं उसको छोड़कर जाना तो नहीं चाहता था, परंतु मुझे अपनी कार में से अपना बैग भी लेना था और अपना कमरा भी देखना था। मैंने कुछ देर तक कमरे में आराम किया और फिर मैं तैयार होकर कपड़े बदलकर बोनी से मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट में गया। मैंने उसको वहीं पर बुलाया था। हमने मिलते ही अपनी बातचीत फिर से शुरू कर दी जहाँ पर हमने उसको छोड़ा था। खाना खाने के बाद हम दोनों होटल के आसपास ही कुछ देर तक घूमते रहे। उस दौरान मुझे उसके बारे में कुछ और भी मालूम चला। वो भी मेरी हम उम्र थी, 21वें बरस में थी। मैं अपने फ्लैट में रहता था पर वो अभी भी अपने माता पिता के साथ रहती थी। उसने मुझसे कहा, माँ बाप के साथ रहने से मुझे बहुत लाभ होता है, मैं अपनी लिखाई पर पूरा ध्यान दे सकती हूँ और उनके कारण मैं फालतू की पार्टियों में नहीं जाती। मैं एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी में रिसेप्शनिस्ट का काम करती हूँ। मैंने अब वो प्रश्न पूछा जो मुझे या तो बहुत खुशी दे सकता था या मुझे असफल कर सकता था। मैंने कहा, तुम्हारे बॉयफ्रेंड को तुम्हारी लिखाई कैसी लगती है? वो कुछ हिचकिचाई और फिर बोली, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, कम से कम अभी तो कोई नहीं है। मेरी खुशी की कोई सीमा ही नहीं रही। फिर भी मैंने पूछा, क्यों नहीं है? अचानक मैंने महसूस किया कि मैं कुछ ज़्यादा ही उसकी ज़िंदगी में दाखिल हो रहा था। वो बोली, मेरा एक बॉयफ्रेंड था पर हम दोनों में अनबन हो गई और हम अलग हो गए। अचानक उसने कहा, क्या तुम जानते हो कि किसी के साथ अपनी लिखाई की बातें करते समय उसकी आंखों की चमक देखकर कैसा लगता है? हाँ मैं जानता हूँ। मैं और मेरे बॉयफ्रेंड में सब ठीक ठाक ही था, परंतु जब भी मैं अपनी लिखाई की बात शुरू करती थी ऐसा लगता था उसको कुछ भी समझ नहीं आता था। कॉन्फ्रेंस के बाद हम दोनों ने एक दूसरे को अपनी लिखी हुई एक एक कहानी दी और अपने विचार बताने को कहा। मैंने उसको कहा, तुम खुलकर आलोचना कर सकता ना अगर कुछ पसंद ना आए, क्योंकि मैं सहन कर सकता हूँ, मैं हर सुधार के लिए तैयार हूँ। वो बोली, मैं भी किसी के द्वारा मेरी लिखाई की आलोचना किए जाने पर बुरा नहीं मानती। आज उस होटल में आखिरी दिन था। हम दोनों ही एक दूसरे की कहानियाँ लेकर अपने अपने कमरे में आ गए और उनके बारे में अपने विचार लिखने लगे। अगली सुबह हमारी नाश्ते पर उसी रेस्टोरेंट में मुलाकात हुई जहां हम पहली रात को डिनर के लिए मिले थे। हम दोनों के बीच में वहां पर पटाखे चलने लगे, तनाव उत्पन्न हो गया। मैंने उसी दिन जाना कि अगर कोई लेखक आपसे कहे कि अगर आप उसकी कहानी की आलोचना भी करेंगे तो वो बुरा नहीं मानेंगे, तो यकीन मानिए वो लेखक झूठ बोल रहा है। मैंने उसकी कहानी के बारे में अपने विचार उसके हाथ में दे दिए थे। वो कागज़ को पढ़ने लगी। मेरे विचार पढ़ते पढ़ते वो अचानक थोड़ी परेशान लगने लगी।
मैंने कहा तुमको एक बात समझनी होगी, ये आलोचना नहीं है, मैंने तो अपने प्रथम विचार ही दिए हैं, मेरा लिखा हुआ गलत भी हो सकता है, मुझे अपनी कहानियों को अंतिम रूप देने में कई हफ्ते लग जाते हैं। वो अब भी मुझसे नज़रें नहीं मिला रही थी। मैंने फिर कहा, मैंने आपकी कहानी के बारे में जो कुछ भी विचार लिखकर आपको दिए हों, पर सच्चाई तो यह है कि मुझे आपकी कहानी बहुत अच्छी लगी। आप शब्दों को बहुत ही शानदार ढंग से प्रस्तुत करना जानती हैं। उसने इस बार आंखें ऊपर करके मुझे धन्यवाद कहा और फिर बोली, क्या आप वो नहीं देखना चाहेंगे जो मैंने आपकी कहानी के बारे में लिखा है? मैंने उसके लिखे कागज का लिफाफा अभी तक खोला नहीं था। मैंने कहा, मैं बाद में पढ़ लूँगा। अच्छा ये बताओ कि नाश्ते में क्या मंगवाया जाए? मैं इस वाद विवाद के कारण अपनी चार दिनों की दोस्ती को ख़राब नहीं करना चाहता था। मेरा अनुमान गलत था। उसने कहा, मेरा पेट रात से ही ठीक नहीं है, मैं शायद आज नाश्ता नहीं लूँगी, बाद में कुछ खा लूँगी। वो मेज से उठ गई और अपना सामान लेकर चली गई। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं मझधार में फंसी हुई एक नाव था। मेरी दोस्ती को कायम रखने की सारी उम्मीदें चकनाचूर हो गई थी। बाकी के समय उस कॉन्फ्रेंस के दौरान हम दोनों एक दूसरे से दूर रहे। हम दोनों एक ही समूह में थे परंतु दूरी स्पष्ट थी। आखिरी समय में वो मेरे पास आई। मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे कारण आपको भी विचलित और परेशान कर दिया। वो अभी भी मेरी आंखों में नहीं, मेरी स्वेटर की तरफ देख रही थी। मैंने कहा, कोई बात नहीं, तुम एक अच्छी लेखिका हो, हमारे समूह में हर व्यक्ति यही सोचता है। मेरे इन शब्दों ने से उसके चेहरे पर फिर से मुस्कान आ गई। मैंने पूछा, क्या हम अभी भी दोस्त हैं? वो मुस्कुराई, दोस्त, और उसने मेरा हाथ अपने हाथ में ले लिया। उस समय मैंने उसको अपना नाम बताया और अपना फ़ोन नंबर दिया। वो भी शायद ऐसा ही सोच रही थी। उसने भी अपना नाम और फ़ोन नंबर एक कागज़ पर पहले से ही मेरे लिए लिख रखा था। घर वापस आते समय सारे रास्ते मैं बोनी के बारे में ही सोचता रहा। अगर मैं उस कॉन्फ्रेंस में नहीं गया होता तो मैं कभी भी उसको नहीं मिला होता। वो मेरे शहर से कुछ घंटों की दूरी के एक शहर में रहती थी। कॉन्फ्रेंस के बाद हम दोनों ने एक दूसरे से के संपर्क में रहने का वादा किया। घर पहुंचकर मैंने चार्ली को उस बोनी के बारे में बताया। वो हंसते हुए बोला, इसी लड़की का फ़ोन नंबर तो मैं तुमको दे रहा था। मैंने तुरंत ही वो कागज़ निकाला जो मुझे चार्ली ने कॉन्फ्रेंस में जाने के पहले दिया था। उस पर बोनी का नाम और फ़ोन नंबर लिखे थे। मैं अचानक ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। चार्ली नहीं समझ पाया पर बोला, क्या हुआ? मैंने अब उसको बोनी के साथ चार दिन बिताने से बिछड़ने तक की पूरी कहानी सुना दी। वो हैरान हो गया। तुम कह रहे हो कि तुमने उसके साथ चार दिन बिताए? हाँ, चार दिन, परंतु मैंने उसको अपने बीच हुए वाद विवाद के बारे में कुछ नहीं कहा। चार्ली ने फिर कहा, क्या सिर्फ बातचीत तक ही रही के और आगे बढ़ी? आगे कुछ नहीं हुआ। मैंने उसको गुस्सा किया। चार्ली ने फिर पूछा, तो अब तुम फिर उससे मिलने कब जा रहे हो? मैं उसको आज रात को फ़ोन करूँगा और पूछूँगा कि क्या वो मुझे आज स्कॉर्पियन में मिल सकती है। मेरा और चार्ली का वो शहर में सबसे पसंदीदा इटालियन रेस्टोरेंट था। चार्ली के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान थी। अच्छा, मुझे बताना उसका क्या जवाब आया। बता दूंगा यार, पहले बात तो करने दो। तीन दिन बाद मैं और चार्ली उस रेस्टोरेंट में गए, परंतु चार्ली की योजना ध्वस्त हो गई थी क्योंकि बोनी की चार्ली में कोई भी रुचि नहीं थी। दो तीन मुलाकातों में वो हमारे दोनों के साथ ही रहा, पर उसके बाद उसने आना छोड़ दिया। पांचवी मुलाकात के बाद मैं और बोनी सिर्फ लेखक दोस्त से बहुत आगे बढ़ गए और एक दूसरे के करीब आ गया। हम दोनों अगले साल शादी करने वाले हैं। हम दोनों का पहला कहानी संग्रह भी हमारी शादी के दिन ही प्रकाशित होगा। मित्रों, कैसे कैसे कहाँ कहाँ दो अजनबी मिलते हैं और फिर एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। उनके बीच में अनबन भी होती है, परंतु जिन दो प्रेमियों को प्रभु मिलाना चाहते हैं वो मिल ही जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।